सिवनी के छपारा विकास खंड में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दरबई लघु जलाशय का ई लोकार्पण किया। बताया जा रहा है इस परियोजना से लगभग 250 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी और इससे किसानों को फायदा होगा। आदिवासी बहुल क्षेत्र छपारा विकास खंड में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंचाई परियोजनाओं का वर्चुअल लोकार्पण और भूमि पूजन किया। कार्यक्रम में सिवनी विधायक दिनेश राय, लखनऊ दौन SDM सिद्धार्थ जैन समेत जल संसाधन विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। विधायक दिनेश राय ने बताया कि दरबई लघु जलाशय से लगभग 250 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। इससे क्षेत्र की बंजर व कम उपजाऊ जमीन में अच्छी पैदावार करने में किसानों को फायदा मिलेगा। जलाशय से लगभग 90 किसानों को इसका फायदा मिलेगा। वहीं क्षेत्र के किसान भी जलाशय के बनने से खुश नजर आए। हमारा 240 हेक्टेयर क्षेत्र को जो सिंचित करेगा और ये 2013 में इसका हमारा निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है और आज ये पूर्ण हो गया और लगभग इसमें हमारे 90 से ऊपर ज़्यादा से किसानों को इस डैम से फायदा मिलेगा। दरबई में जो निर्मित किया गया है इसकी रूपांकित सिंचाई क्षमता 230 हेक्टेयर थी, जो कि बरसात में इस बार फर्स्ट सेकेंड फिलिंग में मतलब होने के कारण और सेकेंड बार अपन 250 हेक्टेयर भी सिंचित हो चुका है वर्तमान में। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।